हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी योगिक क्रिया, वह ध्यान हो, प्राणायाम हो, योगासन हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित अवस्था के साथ करें, जिससे उन योगिक क्रियाओं का लाभ आपको दुगना मिलता है। और साथ ही आपको योगाभ्यास करते समय बहुत बार करने की जरूरत नहीं है, उसे होल्ड करके रखिए तो वह 2 से 3 बार करना ही पर्याप्त होगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें, नहीं तो गलत ढंग से योगा करने से आपको इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन प्रारंभ करते हैं। आज हम आपको बद्ध उत्कटासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। बद्ध उत्कटासन खड़े होकर करने वाली एक योग है। इसे करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए इस तरह झुकिए जैसे आप कोई कुर्सी पर बैठ रहे हों। हथेलियों को घुटनों के पीछे ले जाकर आपस में बांधिए और उस पोजीशन पर 3 से 4 सेकंड रुकिए। फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर आइए। केवल इस आसन को कर रहे हैं तो 5-5 बार अर्थात 10 बार करना पर्याप्त होगा। अन्य आसनों के साथ इसे 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे इस योगाभ्यास के समय में मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहां रखें। यह आसन पेट के निचले भाग की चर्बी अर्थात बेली फैट कम करने के लिए बहुत लाभप्रद आसन है। रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ और लचीला बनाता है, शरीर के संतुलन को अच्छा बनाता है, पाचन संस्थान को दुरुस्त करता है, विचारों को शुद्ध करता है, पीठ व कंधे मजबूत होते हैं, पैर, जांघें, नितंब की मांसपेशियां बेहद मजबूत होती हैं। स्त्रियों के लिए भी बेहद लाभप्रद आसन है। गर्भाशय, जननेन्द्रियां, स्तन स्वस्थ व सक्रिय होते हैं। पेट के आंतरिक अंगों को, हृदय को बल मिलता है जिससे ये अंग स्वस्थ होते हैं। उदर के रोग जैसे अपच, कब्ज, वायु विकार आदि में राहत मिलती है। गठिया, साइटिका आदि रोगों में भी लाभ मिलता है। हैमस्ट्रिंग मसल्स का अच्छा व्यायाम हो जाता है। इम्यून सिस्टम अर्थात रोग प्रतिरोधक तंत्र को स्वस्थ बनाता है। घुटने बेहद बलशाली बनते हैं, शरीर सुडौल व आकर्षक बनता है। गर्दन, चेहरे, आंख प्रभावित होती हैं। मस्तिष्क को भी यह आसन स्वस्थ बनाता है। फेफड़े स्वस्थ होते हैं जिससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर अच्छा होता है। शरीर लचीला व ऊर्जा से भरपूर होता है। बद्ध अर्थात बंधा हुआ, उत्कट अर्थात शक्तिशाली, आसन अर्थात मुद्रा या पोज, चूंकि इस आसन में दोनों हाथें बांधकर शरीर एक शक्तिशाली मुद्रा में स्थित होता है, इसलिए इसे बद्ध उत्कटासन कहते हैं। इस आसन के अभ्यास से मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, स्वाधिष्ठान चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। घुटनों के गंभीर रोगी, मेरुदंड में उत्पन्न गंभीर चोट वाले या रोग वाले व्यक्ति जिन्हें कमर में दर्द रहता हो, उच्च रक्तचाप, स्लिप डिस्क के रोगी इस आसन का अभ्यास ना करें। गर्भवती महिलाएं 3 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास ना करें। चक्कर या वर्टिगो के रोगी भी इस आसन का अभ्यास सावधानी पूर्वक करें। गठिया का दर्द बढ़ा हुआ हो तो भी इस आसन का अभ्यास ना करें। तो यह था बद्ध उत्कटासन योग करने की विधि व उसके लाभ।